मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। निहार भैया बाथरूम में गलती से गए, ठीक है, पर वो बाहर क्यों नहीं निकल पाए? क्योंकि भाभी दरवाजा बाहर से लॉक था। क्या? अरे कहीं अब दरवाजा क्यों और किसने बंद किया, ये सवाल ना करने लगे। मुझे उसके पहले इनका ध्यान भटकाना होगा। आपकी चरण को तो धो धो के पीना चाहिए रुचिता दीदी। आज आपने मेरे सुहाग को बचा लिया, मेरे मंगलसूत्र को बचा लिया, मेरी पूजा को सफल कर दिया। आप महान है दीदी, आप महान है। हाँ चल, ऐसा कुछ नहीं है, उठो प्लीज, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी मैं उम्र भर आपकी आभारी रहूंगी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। देखा, ये होती है पत्नी, पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हैं और अपने पति की जान बचाने वाली सौतन को भी गले लगाकर उसे थैंक यू कह रही है ऊपर से। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने, एक बूंद पानी नहीं पिया है मैंने, बस दो घूंट अपनी दवाई के लगाए थे, वो भी नीट। आखिर कमरे में ताला लगा कैसे और स्टीमर ऑफ था तो ऑन कैसे हुआ? होना हो भाभी, स्विच के साथ जरूर किसी ने छेड़खानी की, क्योंकि जब मैंने चेक किया था तब सब सही था, गेट भी बंद नहीं था, मैंने गेट लगाया नहीं था, लेकिन जब मैं आई थी तब गेट बंद था। जी कहीं आंचल के साथ वो जो इलेक्ट्रिशियन आया था उसने तो कुछ नहीं किया? नहीं भाभी, वो तो पापा जी के रूम में आया नहीं था, वो तो बस वॉशिंग मशीन चेक करने के लिए आया था। ये रुचिता अकेली कम थी जो अभी रितु के दिमाग चलने लग गई, अब मैं क्या करूँ? ये दोनों मास्टर नहीं तो अब नहा धोकर मेरे पीछे ही पड़ गए। भाभी हमें एक बार दूसरे इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर ये स्विच चेक करवाना पड़ेगा और इस दरवाजे के बारे में भी पता लगाना होगा, आखिर ये लॉक कैसे हुआ? हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कैसे इनका शक दूर करूं? पहले इनका ताले वाला शक दूर करती हूं। कैसे हुआ, अपने आप कैसे बंद हो गया? भाभी कहीं निहार जी के टाइम पे ऐसे ही हवा की वजह से इंटरलॉक लग गया होगा। हो सकता है रुचि। रुचि इसे ठीक करवा लेते हैं, नहीं ऐसा ना हो आगे जाके और कोई दिक्कत हो जाए। इन दोनों बहनों का तो अब कुछ करना होगा, वरना रुचिता का पता नहीं, मेरा पत्ता तो जरूर कटेगा इस घर से। हेलो भैया, आप जब कल घर आए थे तो आपने बाथरूम वायरिंग के साथ कुछ किया था क्या? भगवान, ये बात तो मुझे रुचि को बतानी पड़ेगी। रुचि, रुचि, मेरी उस इलेक्ट्रिशियन से बात हुई अभी। भाभी मैंने भी दूसरे वाले इलेक्ट्रिशियन से चेक करवाया था और उसने कहा कि बिना छेड़छाड़ के स्विच बोर्ड का कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो पहले से ही शक था। क्या खुसर फुसर कर रही है ये दोनों, वो सुनाई नहीं पड़ रहा है। कहीं रितु भाभी को मुझ पर शक तो नहीं हो गया? सब पता करना पड़ेगा, थोड़ा और पास खिसकना पड़ेगा मुझे। सही कह रहा है वो इलेक्ट्रिशियन, ये जरूर उस चूहिया का ही काम होगा। हाँ भाभी मुझे भी यही लगता है, छोटी सी है कहीं भी घुस सकती है, बड़ी खतरनाक, और हमें बहुत जल्द उसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना पता नहीं किसी दिन कुछ बड़ा ना हो जाए। ये दोनों मुझे चूहिया बुला रही है, इनकी तो इससे पहले वो चूहिया कुछ और नुकसान कर दे,
हमें उसे पकड़ना ही होगा। वैसे मेरा जी तो कर रहा है ना कि मैं उसे जहर देके ना मौर ही दूं। हे भगवान, लगता है उस बिजली वाले ने इन लोगों को मेरा नाम बता दिया है। अब इससे पहले ये सासू माँ को बताए, मैं ही जाके उन्हें सब बता देती हूँ। क्या? हाँ सासू माँ, रितु भाभी और रुचिता दीदी ने आपस में संगठन कर लिया है और दोनों ने मेरा नाम चूहिया रखा है। मुझे जहर देकर मारने की बात कर रही है। पता नहीं मुझसे क्या पाप हो गया कि रितु भाभी आज भी मुझे अपनी देवरानी नहीं मानती। वो आज भी यही चाहती है कि रुचिता दीदी घर पे वापस आए और मैं घर से बाहर चली जाऊं। तुम चलो मेरे साथ, इन दोनों को तो मैं बताती हूँ। आओ, हम एक काम करते हैं, हम आज रात को ही उस चुहिया का काम तमाम कर देते हैं। जब सब लोग सो जाएंगे तब किसी तरीके से हम उस चुहिया को अपने झांसे में फंसा लेंगे और उसके बाद उसको पकड़ के घर से बाहर कर देंगे। सही कह रही हूँ जी। वैसे मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। काश तुम हमेशा इस घर में रह पाती, काश सब कुछ पहले जैसा हो पाता। अब कुछ पहले जैसा नहीं होगा रितु। तुम्हारी कोई भी चाल अब काम नहीं आएगी रितु। मैंने कहा था तुमसे कि इस लड़की से दूर रहना। तुम दोनों की बहनबाजी तो खत्म ही नहीं होती। बहुत प्यार करती हो इससे, तो एक काम करो, इसके साथ साथ ना तुम भी अपने मायके का टिकट कटवा लो। माँ मैंने किया क्या है? अपनी सास के साथ यहाँ खड़ी होकर जो सवाल जवाब कर रही हो, यही कुछ कम नहीं है रितु? दिखाई दे रहा है मुझे इस रुचिता की संगत का बुरा असर दिन ब दिन तुम पर पड़ता जा रहा है। अपनी जिंदगी और अपने परिवार से बहुत प्यार करती हो ना, तो दूर रहो इस लड़की से, वरना मेरे प्रतीक के लिए आज भी अच्छे रिश्तों की कोई कमी नहीं है रितु, समझी? तुम्हारे घर से किसी रितु ने पूछा था स्विच के बारे में, तो मैंने बोल दिया किसी चुहिया ने तार काटी होगी। धत तेरी की, ये लोग तो सच में चुहिया की बात कर रहे थे। लेकिन अच्छा हुआ सासू माँ जी ने रितु को सुना दिया, तो कम से कम अब वो चालाक लोमड़ी रुचिता से दूर रहेगी। जी आपको कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगी आपको। जानता हूं तुम्हारे रहते हुए मुझे कुछ भी नहीं हो सकता।
वो मैं यहां से गुजर रहा था तो मैंने देखा तुम्हारा सर शोपीस से टकराने वाला था, इसलिए। निहार जी, आपके हाथ से खून निकल रहा है। हाँ, वो चोट लगी है लेकिन दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा। गुड नाइट। आज तो तू बच गई लेकिन कल मेरा दिन आएगा रुचिता, कल मैं तेरी ऐसी की तैसी करके रहूंगी। भाभी, माँ जी ने फेविकोल का डब्बा पुताई में मिक्स करने के लिए कहा है, कहाँ रखूँ इसको? रखते मेरे सर पे। जी नहीं, मतलब यही कहीं रख दीजिए ना, मैं देख लेती हूँ। ठीक है। पूरा नशा खराब कर दिया। कल लुचिता बहुत चिपक रही थी ना हुकुम सा से, आज मैं गोंद की तरह उनसे चिपकी रहूंगी और रुचिता को चला चला कर मार डालूंगी। हेलो जी। जी डॉक्टर, ठीक है, मैं निहार जी को रिपोर्ट दिखा के आपको फोन करती हूँ। ओके। हाँ अरे ये रुचिता तो हुकुम सा के पास जा रही है। निहार जी, पापा जी की रिपोर्ट आई है, एक बार। पापा जी की रिपोर्ट से आप देख लीजिएगा। ये रुचिता नाम की हड्डी गले में फंसती जा रही है, ना ठुकते बन रही है और ना ही निगलते। पता नहीं कौन सी सोने की स्याही से किस्मत लिखवा कर आई है, मेरे हर दाव से बच रही है। आंचल जी। भाभी, ये क्या कर रही थी तुम? माँ ने तो बोला कि तुम योगा कर रही हो, पर तुम तो यहाँ स्टोर रूम में अकेले खड़े होकर अपने कंगन को चुन रही हो। क्या है इस कंगन में, दिखाओ।
भाभी ये कंगन मेरी माँ की आखिरी निशानी है, उनका एहसास उनका प्यार छुपा है इसमें। जब भी मुझे माँ की याद आती है मैं योगा का बहाना करके इस कमरे में आके इस कंगन को चूम कर माँ को याद करती हूँ। पर ऐसे अकेले में छुप कर क्यों? क्योंकि भाभी मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। I'm sorry आंचल, मैंने तुम पर शक किया। वो मैं बर्नी लेने आई थी, मैं वो ले लेती हूँ। ठीक है मैं दे देती हूँ आपको, ये लीजिए। थैंक यू। धीरे धीरे बाल बाल बच गई, वरना आज मेरा दारू का भंडा फूट जाता और रुचिता नहीं मैं घर से बाहर जाती। जैसे ही ये चालाक लोमड़ी बुड्ढे के कमरे में जाएगी वैसे ही मैं ये झूमर को उसके सर पर गिरा के उसे भी उस बुड्ढे के बगल में लिटा दूंगी। फिर आई उई करते हुए करती रहना उस बुड्ढे की सेवा। कैसे जाओ, उन्हें शक हो गया तो? झाड़ू दीजिए मुझे, आप दूसरा काम कीजिए, मैं झाड़ू लगा देती हूँ। आंचल बहू तुम झाड़ू क्यों लगा रही हो? वो दादी मेरी माँ कहती थी घर के काम अगर घर की बहू करे तो उस घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। ये मेरे पैर से क्या टकराया? आप जाइए दादी मैं देखती हूँ। ठीक है। कहाँ गया कंगन? क्या तुमने देखा है उसे पीते हुए? अगर देखा है तो बताओ, हम निहार से कहेंगे। वो ऐसी शराबी औरत को अपने आसपास भी नहीं फटकने देगा। मैंने रुचिता दीदी को पीते हुए देखा है। अरे आंचल बहू तुम चोट तो नहीं लगी ना माँ आपको? लगी नहीं, लेकिन मैं फिसली कैसे? क्या हुआ माँ? ये बदबू कैसी आ रही है? हाँ माँ स्मेल तो मुझे भी आ रही है। बदबू? कैसी बदबू? मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही भाभी। तुम्हारी नाक ठीक है ना आंचल? कैसी अजीब सी बदबू आ रही है पूरे घर में? पूनम ये अजीब सी बदबू कैसे आ रही है पूरे घर में? माँ जी आपको भी आ रही है ना? माँ! अरे ये कैसे मैं बार बार गिर रही हूँ? क्या है क्या सीढ़ियों में? शराब? शराब है ये? हमारे इस पवित्र घर में शराब कौन लाया?
देखिए माँ, वहां तक गिरी हुई है शराब। मतलब बोतल भी कहीं आसपास ही होगी। हाँ। ये निशान तो यही तक है, इसके आगे कहीं है ही नहीं। पता नहीं किसने पी है। क्या तुमने देखा है उसे पीते हुए? अगर देखा है तो बताओ, हम निहार से कहेंगे। वो ऐसी शराबी औरत को अपने आसपास भी नहीं फटकने देगा। मैंने रुचिता दीदी को पीते हुए देखा है। पता नहीं मुझे इलेक्ट्रिशियन की बात पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है। स्विच बोर्ड खराब होने के पीछे जरूर कोई दूसरी वजह है जो मैं पता लगा कर रहूंगी। कहीं प्रतीक या निहार तो नहीं पीते? नहीं नहीं दादी जी, प्रतीक जी तो दारू को हाथ भी नहीं लगाते। और हुकुम सा कि मैंने छुड़वा दिया है सासू माँ, मेरे आने के बाद से वो काफी बदल गए है। ना शराब पीते और ना ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। हाय मेरी प्यारी बहू, तुम तो लाखों में एक हो। पूनम, ये बलाएं बाद में लेती रहना, पहले ये पता करो कि इस घर में शराब कौन पीता है। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ सासू माँ, जब से रुचिता दीदी आई है तब से घर में कुछ अजीब ही हो रहा है। कहीं रुचिता दीदी तो नहीं पीती? नहीं नहीं, आज रुचिता ऐसी नहीं थी और वो ऐसा कर नहीं सकती है। नहीं माँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ। आंचल तुम ना रुचिता पर ऐसे बेबुनियाद इल्जाम मत लगाओ। वो दारू की तरफ देख भी नहीं सकती, पीना तो बहुत दूर की बात है। मानती हूँ भाभी, पर शायद वो यहाँ आने के बाद से मुझे और हुकुम साहब को एक साथ देख नहीं पा रही है, इसलिए अपना गम भुलाने के लिए वो पीने लग गई होगी। तुमने देखा है उसे पीते हुए? हाँ ही बोल देती हूँ, कम से कम ये मामला यही रवा दवा हो जाएगा, वरना कहीं इनकी जासूसी मुझ तक ना आ जाए। अरे क्या सोच रही हो आंचल, अगर देखा है तो बताओ, हम निहार से कहेंगे। वो ऐसी शराबी औरत को अपने आसपास भी नहीं फटकने देगा। हाँ सासू माँ, मैंने रुचिता दीदी को पीते हुए देखा है। मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, इसलिए प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए मुझे। इधर आओ, एक राज की बात बताऊं तुम्हें। आंचल मेरी बीवी नहीं है, ना ही मेरी दूसरी शादी हुई है। मम्मा कसम, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, इसलिए प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए मुझे। इधर आओ, एक राज की बात बताऊं तुम्हें। आंचल मेरी बीवी नहीं है, ना ही मेरी दूसरी शादी हुई है। मम्मा कसम,